Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel BioAxis. If you are new to my channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. आज हम 12th class biology start कर रहे हैं, जिसमें chapter 15 का first topic है homeostasis and osmoregulation. Homeostasis is derived from two Greek words. होम्यो मीन्स सेम एंड स्टेसिस इज फोर स्टेट, यानी किसी भी एक स्टेट में रहना कहलाता है होम्योस्टेसिस. इन बायोलॉजी होम्योस्टेसिस रेफर्स टू द बॉडीज एबिलिटी टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, कि बॉडी की वो एबिलिटी और ताकत के जिसमें वो अंदर का जो भी एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करके रख सके, कहलाता है होम्योस्टेसिस. और किस चीज़ से मेंटेन करना है? फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन. फ्लक्चुएशन का मतलब है चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जो भी तब्दीलियां आती हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उनका कोई भी असर इंटरनल एनवायरनमेंट पर होने के बिना, उनका कोई भी असर इंटरनल एनवायरनमेंट पे ना हो, इसलिए अंदर का पूरा एनवायरनमेंट मेंटेन करना कहलाता है होम्योस्टेसिस. फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक्सटर्नल टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है. विंटर और समर में अगर यहाँ पर की बात करें तो 45 डिग्रीज आ जाता है समर में. इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है इंटरनल टेम्परेचर पे, ये ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसको 37 पर मेंटेन करके रखना कहलाता है होम्योस्टेसिस. कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस इन बॉडी. अब बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस है, यानी कोई भी इन्वायरमेंट इंटरनल मेंटेन किया जा रहा है, उसके तीन कंपोनेंट हैं, तीन हिस्से हैं. फर्स्ट इज ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो मीन्स वाटर. बॉडी के अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, जो है बॉडी के अंदर वाटर कंसंट्रेशन, इंटरनल सब ऑर्गन्स के अंदर, सेल के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट है वाटर की जिसे मेंटेन करना पड़ता है. दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन. नेक्स्ट वी हैव थर्मो रेगुलेशन. थर्म का मतलब है टेम्परेचर और हीट. बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसी को मेंटेन करके रखना कहलाता है थर्मोरेगुलेशन. थर्ड कंपोनेंट इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन का मतलब है बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको आउट ऑफ द बॉडी फेंकना. अब यहाँ पर बॉडी के अंदर एक सेल की अगर हम बात करें, उसमें भी डिफरेंट कंपोनेंट हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो एक्ट करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. उनको सेल से बाहर निकालना और फिर डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर भी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको बॉडी से निकाल कर बॉडी के अंदर का टेम्परेचर, उसका एनवायरमेंट साफ करना होता है. दिस इज़ कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यूरिक एसिड बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है, या यूरिया, ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं, और इनके ज़्यादा होने से बॉडी के अंदर हो सकती है डिजीज़. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस की, तो यहाँ पर एक पूरा बैलेंस है जिसे मेंटेन करना होता है. फर्स्ट वी हैव स्टिम्युलस. स्टिम्युलस का मतलब है कि कोई भी चेंज आता है तो उसका बॉडी के अंदर डिटेक्टर है जो उसको डिटेक्ट करता है, और उस डिटेक्टर को हम कहते हैं रिसेप्टर. ये रिसेप्टर है एक सेंसर जो कोई भी चेंज है बॉडी का उसको डिटेक्ट करने के बाद लेकर जाएगा कंट्रोल सेंटर की तरफ. कंट्रोल सेंटर हम कहते हैं ब्रेन को. रिसेप्टर कोई भी सेल हो सकता है बॉडी के अंदर, जो ब्रेन को ये बताएगा कंट्रोल सेंटर को कि यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं, और उसके बाद ये कंट्रोल सेंटर इफेक्टर को कहेगा कि आप जाएं और जाकर ये जो भी चेंजेस हैं इसके खिलाफ ये आपने एक्शन करना है, और वो कोई भी एक्शन हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कोई भी इम्बैलेंस हो गया है बॉडी के अंदर, ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो ज़्यादा हो गया है, उसको मेंटेन करना है, तो रिसेप्टर इसको डिटेक्ट करेगा और भेजेगा कंट्रोल सेंटर को, और फिर कंट्रोल सेंटर इफेक्टर को कहेगा कि आप इसके खिलाफ काम करें, जो कि फिर इस इम्बैलेंस को होम्योस्टेसिस के प्रोसेस के थ्रू ठीक करेगा. अब यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल ली होम्योस्टेसिस की, एग्जाम्पल में आता है ब्लड ग्लूकोज लेवल. ब्लड ग्लूकोज लेवल होना चाहिए नॉर्मल. यहाँ पर पिंक में शो हो रही हैं ब्लड वेसल्स. अब अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई है या ये लो हो जाता है, तो इसके लिए हमारे पास बॉडी के अंदर स्पेशल सिस्टम है जो कि सेंस करता है, डिटेक्ट करता है ब्लड के अंदर हायर एंड लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल.
जिसे हम कहते हैं रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर फर्दर मैसेज भेजते हैं कंट्रोल सेंटर को, और कंट्रोल सेंटर है ब्रेन। ब्रेन हमारे पास बेसिक ऐसा ऑर्गन है जो कि फैक्टर को मैसेज करता है कि आपने ये काम करना है और इसको कंट्रोल करना है। अब इन केस ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारे पास पैंक्रियास से निकलने वाले ये दो हॉर्मोन्स हैं जो एक्ट करते हैं एज अ इफेक्टर, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन इज रिलीज बाय बीटा सेल्स एंड ग्लूकागोन इज रिलीज बाय अल्फा सेल्स। अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फैट सेल्स और मसल्स के अंदर इसे स्टोर कर दिया जाता है बाय द एक्शन ऑफ हॉर्मोन इंसुलिन, और इस तरह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हो जाएगा नॉर्मल। यही अगर ब्लड का ग्लूकोज लेवल लो जा रहा है तो ग्लूकागॉन ऑपोजिटली काम करेगा बाय एक्टिंग ऑन द लिवर, स्टोरेज फॉर्म में ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा और लेकर आएगा दोबारा से ब्लड में। अब जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल दोबारा एंटर होगा तो इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाएगा नॉर्मल। इस तरह से होम्योस्टेसिस के लिए कंट्रोल सेंटर, रिसेप्टर और फैक्टर एक चेन की तरह काम करते हैं टू होम्योस्टेट, और बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस कराते हैं, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। होम्योस्टेसिस के नेक्स्ट कंपोनेंट में हमारे पास आता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन। फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो का मतलब है वाटर, एंड द रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट इन बॉडी इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। यहाँ पर जनरली हम रेगुलेट करते हैं ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरमेंट के दरमियान वाटर का कंटेंट बाय द गेन और लॉस ऑफ वाटर इन द बॉडी। वाटर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर रिलेशंस ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर कितना वाटर है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसके हवाले से हम स्टडी करेंगे डिफरेंट सॉल्यूशन को, और इस तरह की कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को स्टडी करना कहलाता है टॉनिसिटी। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। आइसो मीन्स सेम, यानी इस तरह का कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सेल के अंदर की कंसंट्रेशन सेम हो वो कहलाता है आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। हाइपर मीन ज़्यादा, यानी एक्सेस में होना, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और जो फ्लो ऑफ कंसंट्रेशन है वो होगा लो की तरफ से मूव करेगा हाई की तरफ। सेल के अंदर की कंसंट्रेशन कम है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की ज़्यादा है तो वाटर मूव करेगा, सेल के अंदर से बाहर आ जाएगा और एनवायरनमेंट में चला जाएगा। इस तरह से सेल बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर से सारा पानी निकल गया और ये इस तरह की एक शेप आ जाएगी। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब है कम होना। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल के अंदर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर की कम है तो सारा वाटर मूव करेगा इन दी सेल, और इसकी वजह से सेल बड़ा होता जाएगा और स्वेल अप हो जाएगा लाइक अ बैलून। अब इस कंडीशन में अगर और ज़्यादा वाटर इसके अंदर एंटर होगा तो फाइनली ये बर्स्ट हो जाएगा, और बर्स्ट होने के बाद सारा मटेरियल दोबारा से चला जाएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। इसे हम रिवाइज करते हैं, फर्स्ट हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन के अंदर सारा वाटर जो है सेल के अंदर से बाहर मूव करेगा और सेल श्रंक हो जाएगा। आइसोटॉनिक के अंदर क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो सेल रहेगा नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन के अंदर और शेप भी नॉर्मल रही। अब हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर सेल के अंदर की कंसंट्रेशन क्योंकि ज़्यादा है इसलिए वाटर मूव करेगा इन दी सेल, और सेल के अंदर मूव करने से ये स्वेल अप हो जाएगा और बर्स्ट भी हो सकता है। इस तरह हम डिस्कस कर चुके हैं सॉल्यूशंस और टॉनिसिटी इन दी सॉल्यूशंस। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, यानी पानी का जो रेगुलेशन है प्लांट्स के अंदर भी सेम वैसे ही है जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में है दूसरे, लाइक ह्यूमन बीइंग। प्लांट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। हैबिटेट वो एरियाज हैं जहाँ पर वो प्लांट पाया जाता है, लाइक एक्वेटिक, मॉडरेट, सवेयरली ड्राई और एज पर वाटर नीडेड। हम प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं उनके हैबिटेट के हवाले से इंटू फोर मेजर टाइप्स, जिसमें फर्स्ट है मीजोफाइट्स। मीजो मीन्स मिडल एंड फाइट इज फॉर प्लांट।
मीजोफाइट आर द प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू हैबिटेट विद एडिक्वेट वाटर. ये हमारे पास टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो कि पाए जाते हैं इस तरह के एटमॉस्फेयर में जो ना ज़्यादा ड्राई हो और ना ही ज़्यादा वेट हो. फॉर एग्ज़ाम्पल द कॉमन रोज़ेस प्लांट्स वेजिटेबल जो भी हम उगाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर नॉर्मल एटमॉस्फेयर पर. देन वी हैव ज़ीरो फाइट्स. ज़ीरो मीन्स ड्राई एंड फाइट इज़ फोर प्लांट. और ज़ीरो फाइट इस तरह के प्लांट हैं जो बहुत ही ड्राई हैबिटेट में पाए जाते हैं लाइक दी कैक्टस. ये बेसिकली हैं ड्राई एटमॉस्फेयर के, तो ये डेजर्ट के एरियाज़ में पाए जाते हैं. देन वी हैव हेलो फाइट्स. हेलो मीन्स सॉल्ट कंटेनिंग एंड फाइट इज़ फोर प्लांट. हेलो फाइट इस तरह के प्लांट हैं जो बहुत से ज़्यादा सॉल्टी हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं. इसमें आ जाते हैं डिफरेंट क्रॉप्स, हॉर्न्स एंड फॉर्न्स. नेक्स्ट वी हैव हाइड्रो फाइट्स. हाइड्रो इज़ फॉर वाटर एंड फाइट इज़ फॉर प्लांट. देन हाइड्रो फाइट हमारे पास इस तरह के प्लांट हैं जो फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं, जिनको रिक्वायर है बहुत ही लार्ज क्वांटिटी के अंदर फ्रेश वाटर, और उसके ऊपर ये फाइट्स प्रेजेंट हैं. अब यहाँ पर बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की. जिस तरह के एटमॉस्फेयर और जिस तरह के हैबिटेट के अंदर एक प्लांट हमें नज़र आता है उसी हवाले से इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा. स्टोमेटा इस तरह के सेल्स हैं, गेटवे है जहाँ से वाटर मूव करता है आउट ऑफ द प्लांट और आउट ऑफ द लीफ. ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स. एनिमल्स के अंदर भी होम्योस्टेसिस के डिफरेंट मैकेनिज्म हो रहे हैं. फर्स्ट दे हैव ऑस्मोटिक चैलेंजेस कि वाटर को किस तरह वो रेगुलेट करते हैं बॉडी में. अब यहाँ पर दो टाइप के एनिमल्स आते हैं. फर्स्ट आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स. ये इस तरह के एनिमल्स हैं जिनके अंदर आइसोस्मोटिक इन्वायरमेंट है, यानी ये रेगुलेट नहीं करते अपने अंदर का इन्वायरमेंट. इसमें आ जाते हैं मैरीन इनवर्टिब्रेट्स. ऑस्मो रेगुलेटर्स. ऑस्मो रेगुलेटर इस तरह के एनिमल हैं जो अपने अंदर वाटर को अपटेक और लॉस के ज़रिए रेगुलेट करते हैं. इसके अंदर पाए जाते हैं दो तरह के इन्वायरमेंट, हाइपर ऑस्मोटिक और हाइपो ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन है और यह है लो कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट. इसमें एग्जांपल आ जाती है मैरीन वर्टिब्रेट एंड सम इनवर्टिब्रेट्स की. ऑस्मो रेगुलेटर्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट. इसमें आ जाते हैं मैरीन एनिमल्स, फ्रेश वाटर एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ऑस्मो रेगुलेटर्स को हम अगर डिवाइड करें, दे हैव बीन डिवाइडेड इंटू मैरीन फिशेज एंड फ्रेश वाटर फिशेज. इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन यानी वाटर की रेगुलेशन कैसे होती है वो हम देखेंगे इंटू मैरीन फिशेज एंड फ्रेश वाटर फिशेज. मैरीन वर्ड है सॉल्टी के लिए, यानी ये ऐसे एनिमल्स हैं, फिशेस हैं जो रहते हैं सी वाटर में जहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जबकि फ्रेश वाटर के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर है. अब यहाँ पर ये मैरीन एनिमल्स के अंदर जो फिशेस हैं इनके अंदर स्पेशल सिस्टम होंगे, ग्लैंड्स होंगे जिसके ज़रिए ये सॉल्ट को बॉडी से रिमूव करते हैं. फर्स्ट दे हैव रेक्टल ग्लैंड्स. रेक्टल ग्लैंड इस तरह के ग्लैंड्स हैं जिनको यूज़ करती हैं मैरीन फिशेस टू रिमूव एक्सेस सॉल्ट. इसके अलावा इनका अगर कंपैरिजन देखें तो सी वाटर के अंदर पाई जाने वाली फिशेस, मैरीन फिशेस, दे ड्रिंक सी वाटर, सी वाटर को ड्रिंक करते हैं, जबकि फ्रेश वाटर वाली फिशेस पानी नहीं पीती. देन वी हैव सॉल्ट एक्सक्रीटेड ग्लैंड्स. यहाँ पर इनके पास सॉल्ट बहुत ज़्यादा है इसलिए वो गिल्स के ज़रिए इसे एक्सक्रीट करती हैं, यानी एक्सेस सॉल्ट को बाहर निकाल देती हैं बॉडी से, जबकि फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन नहीं है इसलिए ये अब्सॉर्ब करती हैं सॉल्ट की कंसंट्रेशन बाय गिल्स. और थर्ड में आ जाता है दे हैव स्मॉल वॉल्यूम ऑफ रिलेटिवली सॉल्टी यूरिन. यहाँ पर क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो ये इस तरह के कंसंट्रेटेड यूरिन देती हैं जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जबकि फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर लार्ज वॉल्यूम होगा डाइल्यूट यूरिन का. तो यहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है इसलिए इसे कहा जाता है डाइल्यूट. अब अगर हम देख लें सी वाटर में जो सॉल्टी फिशेस हैं
ये किस तरह से बहुत ज़्यादा सॉल्ट को अपने अंदर रख सकती हैं। सम फिशेज रिटेन यूरिया टू अवॉइड सॉल्ट रिटेंशन, बहुत ज़्यादा सॉल्ट को अपने अंदर ना रखें इसलिए वो एक और केमिकल को इसकी जगह ले लेती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज यूरिया। यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनता है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये तीन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं एज अ वेस्ट। अब यहाँ पर जो यूरिया है ये बहुत ही डैमेजिंग केमिकल है, इसीलिए इसको रिटेन करने के लिए दे रिटेन ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड को रखती हैं ताकि ये प्रोटेक्ट हो सकें, बच सकें यूरिया के डैमेजिंग इफेक्ट से। इसके बाद हम देख लेते हैं टेरेस्ट्रियल ऑस्मो रेगुलेशन। टेरेस्ट्रियल वो एनिमल्स हैं जो ज़मीन पर रहते हैं और इनके अंदर बहुत से एनिमल आते हैं इंक्लूडिंग लायन, शीप, लैपर्ड एक्सेट्रा। अब ये जो एनिमल ज़मीन पर रह रहे हैं दे हैव स्किन और ये आते हैं वर्टिब्रेट और ऑर्थोपोड्स में। वर्टिब्रेट वो सारे एनिमल हैं जिनके अंदर बैकबोन पाई जाती है और आर्थोपोड्स आ जाते हैं वो इंसेक्ट्स जिनके पास है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन समझाने के लिए हम देख सकते हैं कि एनिमल्स जो हैं फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, इनके अंदर पाया जाता है एंडोस्केलेटन जो बना है बोन से। अब अगर यही बोन से बना हुआ स्केलेटन बाहर हो बॉडी के तो हम इसे कहेंगे एक्सोस्केलेटन, और ये स्केलेटन जो बाहर है ये पाया जाता है आर्थ्रोपॉड्स में जो कि आते हैं इंसेक्ट की कैटेगरी में विथ 6 to 8 legs। दे हेल्प इन मिनिमाइजिंग एवोपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर कॉजिंग डिहाइड्रेशन, और इसके ऊपर एक स्लाइमी सी लेयर भी होती है, विस्कस लेयर, जो कि बिल्कुल जेली की तरह की एक लेयर है जो इनको हेल्प करती है डिहाइड्रेशन से बचने में, यानी पानी की कमी से बचने में। इसके लिए यहाँ पर जो भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग हैं दे यूज टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर और साथ में ये मॉइस्ट फूड लेते हैं ताकि पानी की कमी से बच सकें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एनहाइड्रोबियोसिस, यानी लाइफ विदाउट वाटर। अब अगर हम एनहाइड्रोबियोसिस पढ़ रहे हैं इट मीन्स द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बाय किडनी एंड रीअब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर। अब कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल जो ड्राई एटमॉस्फेयर में रहते हैं दे प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, के इनका यूरिन जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है और ये किडनी जब प्रोड्यूस करती है उसके बाद रीअब्सॉर्ब कर लेती है जितना भी वाटर एक्सेस वो एब्जॉर्ब कर सकती है। उसके बाद ये दे कैन टॉलरेट द डिहाइड्रेशन इन डिफरेंट कंडीशंस ताकि बहुत सी जो भी कंडीशंस हैं उनमें ये पानी की कमी से बच सकें। लेकिन एक ऐसा एनिमल है जिसे हम कहते हैं कैंगरू रैट, ये सर्वाइव कर सकता है विदाउट वाटर जस्ट ऑन ईटिंग सीड्स ऑफ प्लांट। अब ये प्लांट सीड पर सर्वाइव कर सकता है पानी पिए बगैर क्योंकि इसके अंदर पाए जाते हैं सीड के कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू, यानी जो भी टूट रहे हैं बन रहे हैं केमिकल्स उनके प्रोसेस के बाद ये बनाता है वाटर जो कि काफ़ी है कैंगरू रैट के जिंदा रहने के लिए। अगर ये इससे ज़्यादा पानी पिएगा तो ये मर जाएगा, इसके अंदर और एफिशिएंसी नहीं है कि वो पानी को अपने अंदर रिटेन कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, फॉर मोर प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।